बिग बॉस 13 शहनाज की चाल के आगे फेल हो गए सिद्धार्थ शुक्ला, नॉमिनेट हुए ये 10 कंटेस्टेंट्स। बिग बॉस 13 में इस बार नॉमिनेशन प्रक्रिया में कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। यानी कि बिग बॉस 13 में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा घर एक साथ बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गया। खास बात है कि इस बार नॉमिनेशन प्रक्रिया में सभी घर वालों को अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए घर की किसी एक चीज का त्याग करना था। घर वालों ने किसी भी चीज का त्याग न करके पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेटेड सदस्यों के नाम सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज कौर गिल, पारस छाबड़ा, माहिरा शर्मा, आरती सिंह, रश्मि देसाई, शेफाली जरीवाला, आसिम रियाज, विशाल आदित्य सिंह और मधुरे मातोली हैं। दरअसल इस बार बिग बॉस नॉमिनेशन प्रक्रिया में जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आए। इस ट्विस्ट के बाद घर वालों के बीच जबरदस्त बहस भी देखने को मिली। सबसे पहले बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को बताया कि इस बार घर से बेघर होने के लिए पूरा घर नॉमिनेटेड है। इस प्रक्रिया में आपको दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें एक विकल्प में घर की चीज होगी और दूसरे विकल्प में घर के किसी सदस्य को सुरक्षित कर सकते हैं। पहला विकल्प है गार्डन एरिया में मौजूद ग्रीन बेड। इस बेड के त्याग के बदले आप किसी एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं। आरती सिंह और पारस माहिरा को बचाने को कह रहे होते हैं। इसके बाद शहनाज कहती हैं कि मुझे नहीं बचानी माहिरा। शहनाज के इस फैसले के बाद पारस और माहिरा गार्डन एरिया में बात कर रहे होते हैं। माहिरा गुस्से में कहती हैं मुझे इसकी आवाज से चिढ़ मचती है। जवाब में पारस ने कहा वो अपना व्यक्तित्व दिखा रही है। इसके बाद शहनाज घर वालों से कह रही हैं कि अगर डर नहीं लगता नॉमिनेट होने से तो बचा क्यों रहे हो, तुम्हारे जैसे को खेल मैं सिखा दूंगी, मुझे कोई क्या सिखाएगा। इसके बाद शहनाज आसिम से कहती हैं कि वह तो वैसे ही बच जाएगी क्योंकि वो तो मजबूत खिलाड़ी है, न टॉप टू में है न। इसके बाद शहनाज और आसिम दोनों हंसने लगते हैं। इस तरह से घर वालों को बिग बॉस ने 4 बार मौका दिया। खास बात है कि बिग बॉस ने आखिरी 2 बार सुरक्षित करने वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई। हालांकि घर वालों ने फैसला किया कि सभी नॉमिनेट होंगे।